ड्रम में पौधा ना लगाए, नहीं तो क्या होगा, उसका कारण बता देता हूँ। आम के पौधे में कोई भी पेंट मत करिएगा, ये ध्यान रखिए, खाद मत दे दीजिएगा धोखे से। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज फिर मैं एक ऐसे विषय को लेकर आ गया हूँ कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के पौधे मर रहे हैं। आप इसको देख कर समझ गए होंगे, ये आम का पौधा, ये देखिए ये आम का पौधा मैंने कब लगाया, ये देखिए इसमें ग्रोथ चालू हो गई है और इसमें नई नई बौर भी आ रही है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, देखिए इसमें बौर भी आ रहा है और नई ग्रोथ चालू हो गई। लगभग एक महीना से ये मेरे पास, ये पौधा एक महीने से मेरे पास रखा है और ये पौधा है बारी इलेवन मैंगो का पौधा है और ये बारहमासी वैरायटी में आता है। इसमें साल में 3 बार तक फल लग जाते हैं अपनी देख रेख पर। खट्टा मीठा स्वाद होता है, बहुत अच्छा फल होता है, पकने के बाद काफ़ी मीठा हो जाता है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था कि आम के पौधे को जब कमेंट व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा आने लगे, लोग बाग मेरे को फ़ोन करके पूछने लगे कि राजीव जी मेरे आम के पौधे तो मर जा रहे हैं। तो आज मैं वीडियो तो मैंने ऐसे बहुत बार बनाए मगर फिर आप लोग सवाल करते हैं राजीव जी मेरे को वीडियो मिल नहीं रहा, कैसे लगाएं। पहली बात तो मैं आज फिर इसीलिए बता देना चाहता हूं कि मैं फिर से आज आपको बता दे रहा हूं, समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा कि जो पुराने वीडियो हो जाते हैं लोग ढूंढ नहीं पाते। तो आज इसको कैसी मिट्टी में लगाना है फिर बता रहा हूं। फिर जिन लोगों ने गलत तरीके से मिट्टी में पौधा लगाया होता है, वो कई बार प्लास्टिक के बड़े गमलों में पौधा लगा देते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स में पौधा लगा देते हैं, 100 लीटर के जो ड्रम होते हैं उसमें कुछ लोगों के वीडियो देखकर वो लोग ड्रम में पौधा लगा देते हैं। पर ड्रम में पौधा ना लगाएं, नहीं तो क्या होगा, उसका कारण बता देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। और अगर भगा कर वीडियो देखना है तो आप देखिए, जानकारी अधूरी रहेगी। जो चीज़ मैंने व्हाट्सअप पर अपने वीडियो में बता रखा होगा तो वो चीज़ YouTube के ऊपर जो भी जानकारी मैंने अपने चैनल पे दी है वो पूरी देता हूँ। जिस चीज़ की जानकारी देता हूँ वो चीज़ अगर बार बार आप पूछेंगे तो मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो चीज़ YouTube पे बताई उस चीज़ का सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे तो उस चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा। उस चीज़ का सवाल का जवाब मिलेगा आप मेरे से ले सकते हैं जिसको मैंने YouTube के ऊपर जानकारी ना दी। तो ये आम के पौधे के लिए सवाल था। तो देखिए एक महीने से मेरे पास रखा था और ये आप समझ लीजिए कि आम का पौधा जो होता है बहुत स्लो ग्रोथ करता है। बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया जी मेरा आम का पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा, ये लौकी की बेल नहीं है, ये खीरे की बेल नहीं है, ये तरोई की बेल नहीं है कि ये तुरंत जो है ना आज बीज लगाया और 3 महीने में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये आम का पौधा लगाना एक बहुत धैर्य का विषय है, ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस समय जैसे खूब धूप हो रही है, बड़ी तपिश हो रही है, तो तपिश होने के कारण आप इसकी पत्तियों पे सावरिंग करते रहें। शाम के समय आप इनकी पत्तियों पे धूल जो जमा हो जाती है उसको आप धूल को हटाते रहें, आप पानी से इसकी सावरिंग कर दें, धूल को धुलते रहें, जिससे कि पत्ते भोजन बनाएंगे। अगर धूल पत्तों में लगी रहेगी तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो आप मिट्टी में कुछ भी देते रहिए, लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सबसे पहले पर डे पत्तों पे ऊपर सावरिंग कर दीजिए, पर बौर आ रहा हो तो सावरिंग मत करिए, नहीं तो बौर धुल जाएगा। जिस समय बौर ना हो और ग्रोथ आपको लेनी है तो 3 दिन में 4 दिन में एक बार पत्तों को धुल दीजिए अच्छी तरह से। आपका स्प्रे पंप है उससे फुहारे से पत्तों को धुल दीजिए, पानी वाला प्रेशर है आपको उसको कम प्रेशर वाले से मार के धुल दीजिए। देखिए मैंने आपको ये कारण बताया। अब जो बड़े ड्रम में मैं आपको पौधा लगाकर दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर देखिए मैंने ये लिया है लगभग 12 इंची का मिट्टी का गमला और इसमें मैंने सुराख कर रखा है। वैसे मिट्टी के गमले में अगर सुराख कम भी होगा तब भी काम चल जाएगा क्योंकि इसमें एरेशन होता रहता है। दूसरी चीज़, मिट्टी के गमले में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें किसी तरह का पेंट, किसी तरह का भी पेंट, मैं यहाँ तक कि इसको लोग वह गेरू से भी रंगते हैं पर मैं कहता हूँ उसका भी प्रयोग आप मिट्टी के गमले में खूबसूरत दिखने के लिए आप दूसरे पौधों में करिए, पर आम के पौधे में कोई भी पेंट मत करिएगा, ये ध्यान रखिए। किसी तरह का पेंट करेंगे तो मिट्टी के गमले का लाभ खत्म हो जाएगा, इसके सुराख बंद हो जाएंगे, सारे एरेशन वाले सुराख बंद हो जाएंगे तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ मैंने 12 इंची का मिट्टी का गमला लिया है और इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिए ये बनी हुई मेरी मिट्टी है, मैंने इस मिट्टी में क्या क्या मिलाया देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आम के लिए स्पेशल मिट्टी बना कर रखी है, ये देखिए, और इसमें क्या क्या मिक्स है पूरी जानकारी आपको दूंगा कि इस मिट्टी में क्या क्या मिक्स है। मैं हरदम आम के पौधों के लिए इस तरह से मिट्टी बना कर रख लेता हूँ
कि समय पर पता नहीं उस समय पे लगाना हो तो मिट्टी, क्योंकि इसमें सबसे जो कठिन काम होता है वो होता है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी नहीं मिल पाती, नॉर्मल मिट्टी तो मिल जाती है। अब इसमें क्या क्या मिक्स है देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये ठेकरी है, इसको मैं आराम से जहाँ जहाँ सुराख है नीचे वहाँ पर रख देता हूँ। अब इसके बाद इस मिट्टी के अंदर देखिए मैंने मिलाया है राई सक्स, आपको इसमें चावल का छिलका दिख रहा होगा। अब चावल के छिलके की बात आई, इसमें कितना मिलाना है तो आप तीन इसके अंदर 50% नॉर्मल मिट्टी लीजिए और इसके 20% धान की भूसी, मैंने इसमें मिक्स कर रखी है इसलिए नहीं मिला रहा हूँ, 20% इसके अंदर धान की भूसी आप मिला दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि धान की भूसी ना मिलाइए और कोकोपीट मिलाइए। देखिए कोकोपीट मेरे पास है तो मैं इस कोकोपीट को नहीं मिलाऊंगा, कोकोपीट को मिलाइएगा भी नहीं क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर लेती है। आप सोचते हैं कि ऊपर से जो है ना पौधा सूख गया, मिट्टी सूख गई और आपने अगर कोकोपीट मिलाई होगी तो नीचे मॉइस्चर रहेगा, पानी आप फिर दे देंगे तो इसकी रूट गल जाएंगी। हर समय पानी में ही पौधा रहेगा, रूट में ज़्यादा नमी रहेगी तो रूट सड़ जाएगी। इसलिए कोकोपीट भूल कर भी फल वाले पौधों में, सब्जी वाले पौधों में ना लगाएं। कोकोपीट हम भी प्रयोग करते हैं धनिया उगाने के लिए, सीड उगाने के लिए हम कोकोपीट का प्रयोग करते हैं। तो आप अब कुछ लोग कहते हैं धान की भूसी से पौधा खराब हो जाता है, मैं पूरी बगिया में अपनी धान की भूसी को मिलाता हूँ राइस हक्स चावल का छिलका। ये क्या होता है कुछ दिनों बाद धीरे धीरे डीकम्पोज होता है तो हमारे पौधों को पोषक तत्व तो भी देता है, खाद भी बन जाता है। पर अगर आप कोकोपीट मिलाएंगे तो उससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आप ये समझ लीजिए। तो आपको कोकोपीट नहीं, धान की भूसी, अगर कुछ लोगों को धान की भूसी नहीं मिलती है, वाकई में नहीं मिल पा रही है शहरों में रहते, तो आपके गार्डन में जो सूखे पत्ते निकले हो ना उन पत्तों को महीन महीन क्रश कर लीजिए, अच्छी तरह से महीन क्रश कर लीजिए, उनको आप 20% मिला दीजिए। तो 50% मैंने बताई नॉर्मल मिट्टी और 20% धान की भूसी, 20% धान की भूसी, इसके बाद 20% में आपको मिलाना है ये बालू मिट्टी। देख लीजिए ये बालू मिट्टी। अब आप कहेंगे बालू मिट्टी कहाँ से मिलेगी, तो मैं तरीका आपको बताऊँ, जो टंकी आपके छत पे रखी है उस टंकी में पानी जब स्टोर होता है तो उसमें बालू मिट्टी निकलती है। सबसे अच्छा तरीका है टंकी वाली बालू मिट्टी निकाल लाइए और उसको 20% इस मिट्टी में मिला दिए, मेरी मिट्टी में मिक्स है इसलिए मैं नहीं मिला रहा हूं। तो यहां पर 20% बालू मिट्टी मिलाई। अब 10% में बचिया तो 10% में देखिए मैं यहां पर लगभग आइडिया से ये इतना सा 2-3 चम्मच मार्बल पाउडर, देखिए 2-3 चम्मच मार्बल पाउडर डाल दिया और इसके बाद में यहाँ पर देखिए लगभग इतना ही ये देखिए ये 2 चम्मच के लगभग गेरू कैल्शियम के पाउडर के लिए डाला था और गेरू आयरन से भरपूर, गेरू का प्रयोग जरूर करें पौधे में, ये ध्यान रखिएगा आप गेरू का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खनिज है। इसके बाद में यहाँ पर मिलाऊंगा देखिए ये है मेरा ट्राइकोडर्मा पाउडर, ये है ट्राइकोडर्मा, इसको भी एक मुट्ठी मिला दें कि अगर कोई किसी तरह का फंगस बीमारी पौधे में लग रही होगी तो एक ट्राइकोडर्मा उसको हजम कर देगा। ये देखिए इसके ट्राइको, अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एक चीज़ और मिलाऊंगा, देखिए अभी दिखाता हूँ, ये है यह चीज़ आपको ज़रूर मिलानी है, इसको बगैर मिलाए आम का पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसको केवल देखिए मैं यहाँ पर इतना सा 2 चम्मच के लगभग, ये काली सी चीज़ 2 चम्मच के लगभग ये काली सी चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद देखिए इसको डालने के बाद अब इसको करना है मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए क्योंकि मेरी मिट्टी में धान की भूसी भी थी और बालू मिट्टी भी मैंने इसमें डाल रखी है तो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें आपको डाल के नहीं दिखा रहा हूँ। पहले से मैं मिट्टी आम के पौधों के लिए, जैसे ही पौधे मेरे पास आते हैं, ये 12-11 का पौधा मैंने मंगाया था तो मैंने इसके अंदर मिट्टी बना के रख दी थी क्योंकि इस ट्राइकोडर्मा जो है ना अगर मिला के मिट्टी रख देंगे तो ग्रोथ उसके अंदर जितना बैक्टीरिया है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके भोजन के लिए ये देखिए मैंने धान की भूसी मिलाई हुई है और ट्राइकोडर्मा अगर मिला देंगे तो और मिट्टी को नमी बना कर रख रहा है। आप देखिए ये आम का पौधा है तो पहले मैं इस गमले के नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल लेता हूँ, ये इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल ली और डाल के ये देखना है ये देखिए कि हमारा पौधा कहाँ तक आ जाएगा। ये बिल्कुल अब पौधा हमारा सही आ रहा है तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको इसकी पन्नी जो है वो काट लेंगे, इसकी पन्नी को काट लेंगे। इस तरह से अगर आम का पौधा आप लगाएंगे ना तो गारंटी है आपका आम का पौधा मरेगा नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी तरह की ना नीम की खली का प्रयोग किया है, ना यहाँ पर मैंने गोबर की खाद का प्रयोग किया है, ना यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया है। आम के पौधे को अभी जब तक आपके यहाँ
तीन साल या दो साल के ऊपर पौधा ना हो जाए, कम से कम दो साल के ऊपर ना हो जाए तब तक किसी तरह की खाद मत मिला दीजिएगा। हमने देखा है कि आप लोग 250-250 ग्राम खाद, 700-700 ग्राम खाद पौधे में मिला देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस पौधे की पन्नी को काट लिया और यहाँ से ये देखिए, इसके बाद में ये पन्नी को इसको यहाँ से अलग कर लेता हूँ और पौधे को आराम से हटाइएगा। और मैंने इसको गमले में रख रखा था एक महीने से, एक मिट्टी का गमला था, उस गमले के ऊपर जिसमें पौधे लगे थे उसके ऊपर मैंने इसको रखा हुआ था। तो देखिए इसको बड़े आसानी से, क्योंकि जड़ें जो है ना इस पॉलीथिन से बाहर की तरफ चली गई हैं, तो अगर थोड़ा बहुत हट भी जाएगी मिट्टी तो कोई दिक्कत नहीं। और इस समय अब आप ऑनलाइन ये देखिए, मैंने इसकी पॉलीथिन अलग कर दी और इसको आसानी से इसमें रख के देख लेना। अब ये मैंने पौधा देख रख लिया और इसको सीधा ही रखना, फिर इसके बाद में इसमें ये बाकी मिट्टी इसके अंदर भर देंगे। इस तरह से अगर आप भी अपने छत के ऊपर आम का पौधा लगाएंगे तो आपका आम का पौधा बढ़िया चलेगा, मरेगा नहीं। ये देखिए, और अब इसको लगाने के बाद में फिर इतनी जगह इस समय रखनी है कि इसमें पानी देने भर की जगह इसमें रखनी है। देखिए मिट्टी कुछ कम है तो यहां मिट्टी मेरी तैयार है तो इससे ले लेता हूं। ये देखिए, इतनी जगह रखनी है कि इसके अंदर पानी खूब आराम से आ जाए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 लीटर पानी तो इसके अंदर आ ही जाए। और अब इसको देखिए, हम दे देंगे पानी और इसको रखना है छाया वाली जगह में। आपको ध्यान रखना है, अब बिल्कुल छाया वाली जगह में आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए और इसके बाद इसको आप रखिएगा ग्रीन नेट के नीचे। अगर छत पे रख रहे हैं, छत पे तपिस ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना है ग्रीन नेट के नीचे पौधा को रखना है। इस तरह से पौधा लगाइए, फिर इसके बाद आम का पौधा मर जाए तो बताइएगा राजीव जी आपके तरीके से, पर खाद मत दे दीजिएगा धोखे से भी मिट्टी में किसी तरह की। फिर कहेंगे राजीव जी ये पौधा बढ़ेगा कैसे, बिल्कुल बढ़ेगा। आप देखिएगा जब पौधा रखा था इसके बाद ग्रोथ ले रहा है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।